बाढ़ और बारिश की वजह से बेकाबू लहरों के बीच में जिंदगी की नाव कई जगहों पर हिचकोले खाते रहे। सोलन में उफान के बीच में पत्थर पर 5 लोग फंस गए। इसके बाद शुरू हुई जिंदगी की जद्दोजहद। देखिए जल शक्ति के बीच जिंदगी की वो जंग। ये जंग है जिंदगी बचाने की। लहरों के शोर के बीच सांस थामे इंसान एक पत्थर पर सांस बचाने की उम्मीद की आस में खड़ा है। नदी इतनी खूंखार हो चुकी है कि पलक झपकते ही अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है, लेकिन बचाने वालों ने भी लहरों को मात देने की ठान ली और फिर शुरू हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला रेस्क्यू। रस्सी का एक छोर युवकों की तरफ और दूसरा छोर गांव वालों ने अपने हाथ में थाम लिया। इस रस्सी में बंधी है जिंदगी की डोर। एक शख्स रस्सी पकड़ता है और हिम्मत करके उफनती नदी में कूद जाता है। लहरें पूरा जोर लगाकर अपने साथ तेजी से बहा ले जाती है, लेकिन दूसरा छोर संभाले मजबूत हाथ इतनी आसानी से हार मानने वाले कहां हैं। लहरों को चीरकर युवक को साहिल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर रस्सी फेंकी जाती है, दूसरा शख्स कमर में रस्सी बांधता है और फिर जिंदगी की उम्मीद में पानी में छलांग लगा देता है। इस तरह इस पत्थर पर अटके 5 लोगों को सुरक्षित गांव वाले अपनी सूझबूझ और बहादुरी से बाहर निकाल लेते हैं। ये 5 युवक हिमाचल के सोलन में चिकली नदी में सेल्फी लेने पहुंचे थे। उस वक्त नदी का पानी कम था, लेकिन अचानक आए सैलाब ने इन्हें लहरों में फंसा दिया। किस्मत और हिम्मत दोनों ने साथ दिया और सभी सकुशल बाहर आ गए। शेरे कश्मीर नदी में आए उफान में करीब 14 लोग फंस गए, जिन्हें सेना के जवानों ने बाहर निकाला। पुंछ में कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। ऐसे में देखिए किस तरह स्कूली बच्चों को जेसीबी के जरिए उफनते नाले से सड़क पार कराई जा रही है। आज तक बेरोजगार।